हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ बेस्ड स्कीम को और साथ में जो मिनिस्ट्रीज उससे संबंधित हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जैसे यहाँ पर पहली स्कीम दिखा है न्यूट्रिशन पोषण अभियान, ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सी स्कीम्स हैं, एक तो पोषण अभियान है, दूसरा ICDS, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, तीसरा है BBBP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसके अलावा लास्ट है यहाँ पर PMMVY, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट देने की बात की जाती है, आपको पता होना चाहिए इसे प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव दिए जाते हैं मैटरनिटी के दौरान। तो ये है आपकी स्कीम पोषण अभियान ICDS, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, PMMVY मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सारी स्कीम आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला मिनिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे MORD, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एक लिखा है DAY NRLM, दैट इज कॉल्ड दीनदयाल अंत्योदय। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इसको आजीविक बोलते हैं, तो ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो एक तो है ये DAY NRLM स्कीम और दूसरी है MGNREGA। MGNREGA के बारे में आप लोगों को सुना होगा, दैट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। याद होना चाहिए सन 2005 में इस स्कीम को शुरुआत किया गया था और 2009 में इसका नाम चेंज करके, पहले नरेगा इसका नाम था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया सन 2009 में। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है, देखिए आमतौर पर कुछ स्कीम ऐसी होती है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है यहाँ पर सारी फंडिंग केंद्र सरकार करती है 100%। लेकिन एक दूसरी प्रकार की स्कीम होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार सारा अमाउंट पे नहीं करती बल्कि कुछ परसेंटेज पे करती है। ऐसे 40% राज्य सरकार पे कर रही है, 60% केंद्र सरकार पे कर रही है, या कुछ हिली स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर 90% केंद्र सरकार पे कर रही है, 10% स्टेट गवर्नमेंट पे कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो आप याद रखेंगे MGNREGA जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पे केंद्र सरकार कुछ परसेंटेज पे करती है। अगला मिनिस्ट्री हमारे सामने है, दैट इज कॉल्ड MOHRD, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हालांकि इसका नाम चेंज हो गया है, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। इसकी स्कीम में पहला है मिड डे मील स्कीम, बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। और दूसरी स्कीम है यहाँ पर उड़ीसा का नाम आप लोगों ने थोड़ी कम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के लिए स्कीम है, दैट इज कॉल्ड उड़ीसा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये स्कीम। अगला मिनिस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे एक तो बड़ा फेमस है MAA, माँ की बात करें इसका फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ प्रोग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। दूसरी स्कीम है RKSK, इसे बोलते हैं, दैट इज फुल फॉर्म इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, है ना, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ऑलराइट। इसमें किशोर समझना है आपको, किशोर मतलब एडोलसेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंट। अब देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा बेसिक है, एडोलसेंट किसको बोलते हैं, किशोर आमतौर पर 10 से 19 साल की जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से एडोलसेंट 10 से 19 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको काउंट करते हैं। इसके बाद अगली स्कीम है, दैट इज कॉल्ड AMB, इसे बोलते हैं एनीमिया मुक्त भारत। तो बेसिकली एनीमिया के लिए दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं एनीमिया मुक्त भारत के लिए। पहली बात तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए किसमें आपको आयरन की अधिक, किन प्रोडक्ट्स में आयरन ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन की अधिकता होती है, तो वो प्रोडक्ट्स यदि आप खाते हैं तो आपको एनीमिया नहीं होता है। सेकेंड थिंग इज दैट प्रॉपर तरीके से मेडिसिन भी दी जाती है, दोनों चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं एनीमिया मुक्त भारत में। अगली स्कीम है, दैट इज कॉल्ड IDCF, IDCF क्या फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिफाइड डायरिया, डी फॉर डायरिया, डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। तो IDCF की बात करें ये डायरिया कंट्रोल के लिए है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसके लिए प्रॉपर तरीके से ORS और जिंक को काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है। जिंक की बात करें तो 14 डेज तक जिंक लगातार दिया जाता है जिससे डायरिया से फास्ट रिकवरी हो पाए, है ना, दैट इज कॉल्ड IDCF। तो IDCF का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, और ये भी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है।
अगली स्कीम है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें बहुत सारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बहुत सारी डिजीज के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष प्रोग्राम। इसके बाद है SBNC। HBNC का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर। तो इसमें बेसिकली आमतौर पर जो आशा वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। 2011 में इस स्कीम को शुरुआत किया गया, HBNC होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर। इसमें याद रखिएगा आशा कार्यकर्ता यहाँ पर घर घर जाकर प्रॉपर तरीके से बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आपको ये चीज़ देनी है ना। तो SBNC हो गया। इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है आशा कार्यकर्ताओं के बारे में, आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो यहाँ पर ये सैलरीड इंप्लॉय नहीं होते, बीच बीच में इंसेंटिव दिया जाता है, दे आर एक्टिंग एज ए वॉलंटियर्स, मतलब इन्हें प्रॉपर तरीके से वर्क फोर्स में काउंट नहीं करते। हालांकि अभी तक अभी प्रॉपर डिमांड भी हो रही है इसमें आशा कार्यकर्ताओं की, कि हमें भी प्रॉपर तरीके से सैलरी मिलनी चाहिए हर महीने, बिकॉज इंसेंटिव से बेसिकली काम नहीं चलता। आशा वर्कर्स आर कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट इन द हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉपर तरीके से सैलरी भी मिलना चाहिए। नाउ अगली स्कीम है HPYC। इसका फुल फॉर्म क्या है? होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। इसमें यंग चाइल्ड को कवर करते हैं। अब यहाँ पर याद रखना है इसमें जिस एज ग्रुप को कवर करते हैं, 3 साल से लेकर 18 महीने तक के, सॉरी 3 साल से लेकर 15 महीने तक के जो बच्चे हैं उनको इसमें कवर करते हैं। तो ये है HBYC, दैट इज कॉल्ड होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। ये याद रखना है NHM पोषण अभियान के अंतर्गत ही कवर किया जाता है। अगली स्कीम है दैट इज कॉल्ड RBSK। RBSK का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो मेन पर्पज है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन। यदि किसी को किसी तरह की डिजीज है तो उसका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से किया सके। तो इसका फुल फॉर्म है RBSK का मेन पर्पज क्या है? इसका फुल फॉर्म तो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, लेकिन इसका मेन एजेंडा है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिकल कंडीशन। RBSK काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और लास्ट है NHM। NHM की बात करें ऐसे बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, 2005 में इसको शुरू किया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है। नाउ चलते हैं अगली स्कीम, दैट इज अगली मिनिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड MODWNS, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। याद रहे अब इसको एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, पहले मिनिस्ट्री होती थी लेकिन अब इसको डिपार्टमेंट बना दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज ए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और इसे प्रॉपर तरीके से कौन सी मिनिस्ट्री में डाल दिया गया है? दैट इज मर्ज्ड विद द जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय में इसको डाल दिया गया है सन 2019 में, तो ये भी आप लोग याद रखें। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का फॉर्मेशन सन 2011 में किया गया था, लेकिन 2019 में इसको मर्ज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ में। नाउ इसमें स्कीम है एक SBM। SBM का फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। और एक है SDW एंड वास। SDW का मतलब है आई मीन दैट इज कॉल्ड ऑल एट दैट लिमिट टू सू। तो SDM का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वास। वास का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर सैनिटेशन हाइजीन, तो ये है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर सैनिटेशन हाइजीन। ये सारे प्रोग्राम ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, जिसका नाम चेंज होकर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो गया है। इसकी मिनिस्ट्री जो है एज ऑफ नाउ वो है दैट इज कॉल्ड जल शक्ति मंत्रालय। तो ये सारे स्कीम के बारे में आज हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आमतौर पे एग्जाम में अक्सर पूछा आता है कि कौन सी स्कीम कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत चलाई जाती है, एंड यू मस्ट नो अबाउट दैट। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके पास फर्दर डाउट्स हैं प्लीज डू कमेंट बिलो। डिस्कशन कहीं स्वाइप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।